वेलकम अगेन स्टूडेंट्स. और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 68, 6 टू 8 क्लास के लिए है, जो कि 6 टू 8 के सभी बच्चों को ये वर्कशीट अलग से करनी है. एक आपकी सब्जेक्ट की वर्कशीट आती है, एक इस तरह से जेनरिक वर्कशीट आती है. अब यहाँ पर देखिए, जो ये वर्कशीट है ये आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 22 सितंबर 2020 के लिए इंग्लिश मीडियम में वर्कशीट ये शेड्यूल की गई है. आप देखिए, यहाँ पर आप नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे. और इस वर्कशीट में हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे. प्राइम मिनिस्टर इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री. तो हमारे कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनका जो आप कह सकते हैं पोजीशन है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. देर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ठीक है. जो भी मेंबर्स होते हैं एक पार्टी के, जिनको वोट मिलता है उनको हम वोट देते हैं, और वो जो अपना हेड चुनते हैं वही जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं. यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है यानी राष्ट्रपति, वो केवल नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, ठीक है. जो मेन पावर होती है वो किसके हाथों में होती है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी और द कॉलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर. तो बच्चों, जो भी लोकसभा में जिसके पास वोट नंबर सबसे ज़्यादा होता है, उन्हीं पार्टी के हेड को जो क्या चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, या पार्टी जो है कोलेबरेट करके भी प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो पीछे लोकसभा का जो इलेक्शन हुए थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसमें कांग्रेस को सीट बहुत कम थी, जबकि बीजेपी को बहुत ज़्यादा थी, जिसमें उनका हेड उन्होंने जो चुना था नरेंद्र मोदी जी, उनको फिर प्रधानमंत्री चुन लिया गया. हाँ, व्यवहार मिनिस्टर मे बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट. मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था एक में, कि जो हाउसेज हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है. और जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उनको एक हाउस का मेंबर होना जरूरी है, या तो वो अपर हाउस यानी राज्यसभा के मेंबर हों, या लोअर हाउस यानी लोकसभा के मेंबर हों. जैसे कि मोदी जी वो लोकसभा के मेंबर हैं. पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर हम पावर्स डिस्कस करेंगे. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग, जो भी कैबिनेट मीटिंग होती हैं उनको वो लेते हैं. ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स, और जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनका जो वर्क है बच्चों, उनको वो कोऑर्डिनेट करते हैं. हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर आपस में कोई भी लड़ाई, झगड़ा, विवाद, डिसएग्रीमेंट होता है तो उनका डिसीजन फाइनल होता है. ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर अंडर हिज लीडरशिप, उनके लीडरशिप के अंडर ही जितने भी मिनिस्टर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो सब काम करते हैं. वेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट, अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं यानी अपने पद से जो है वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, किन्हीं और कारणों से छोड़ देते हैं, द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट, तो पूरा का पूरा जो मंत्रालय है, पूरे की पूरी जो मिनिस्ट्री है वो फेल हो जाती है एक तरह से, उनको सबको क्विट करना पड़ता है. दस इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, विद इन द कैबिनेट इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द मोस्ट पावरफुल. सो बच्चों, कैबिनेट जो है दैट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. और जो कैबिनेट है उनका जो मोस्ट पावरफुल फिर आप कह सकते हो हेड है, वो कौन है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर. एंड प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन. अब यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है बच्चों, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया. आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया से अब तक, उनकी ये लिस्ट है. और साथ में उनका जो है टाइम भी दिया गया है कि इस ड्यूरेशन तक उन्होंने काम किया है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 to 27 मई 1964. ओके, उसके बाद देखिए श्री गुलजारी लाल नंदा, आप जो डेट है वो देख सकते हैं. आफ्टर दैट लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग. ओके, श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फर्स्ट जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट इंडिया टिल डेट, वो कौन है, इंदिरा गांधी. ओके, उसके बाद देखिए श्री मोरारजी देसाई, श्री चरण सिंह, फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी जो है दोबारा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने थे. नेक्स्ट श्री राजीव गांधी, नेक्स्ट श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, नेक्स्ट क्या है बच्चों, चंद्रशेखर, एंड आफ्टर दैट श्री पी वी नरसिम्हा राव, नेक्स्ट श्री अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा, देन श्री इंद्र कुमार गुजराल, देन श्री अटल बिहारी वाजपेयी, देन मनमोहन सिंह. मनमोहन सिंह के बारे में खास ये है बच्चों कि इन्होंने 10 ईयर्स तक जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे ये रहे. ओके, 22 मई 2004 से लेकर 16 मई 2014. ओके, सो यहाँ पर देखिए उसके बाद लास्ट कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, 16 मई 2014 टू टिल डेट,
अब तक जो है वो जो इंडिया है उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। आप देखिए यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वाज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टिल डेट? तो अब तक जो है फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी इज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टिल डेट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? आई सर्व द नेशन एज ए प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 ईयर्स। अभी हमने डिस्कस किया 10 ईयर्स तक प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं व्हाइल बींग द मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो कि कौन थे? राज्यसभा के मेंबर थे। मैंने आपको बताया एक जो हाउस है उनका जो मेंबर है जरूर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, मे बी राज्यसभा मे बी लोकसभा। तो जो मनमोहन सिंह जी थे वो राज्यसभा के थे और अब जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो लोकसभा के मेंबर हैं। फाइंड आउट माई नेम विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर, तो क्या नाम है इनका? श्री मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अब देखिए इनको हम आंसर भी दिखाएंगे कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, सपोज यू आर द प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सपोज कीजिए आप करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एंड इंडिया इज फेसिंग कोरोना वायरस। आपको पता है बच्चों कोरोना वायरस इज द मेन प्रॉब्लम टुडे एंड इट्स अ पेंडेमिक। व्हाट स्टेप वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप दिस पेंडेमिक? सो इस पेंडेमिक को आप स्टॉप करने के लिए क्या क्या आप अपने व्यूज बता सकते हो, क्या क्या वेज हो सकते हैं? तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? श्रीमती इंदिरा गांधी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकेंड आप लिखेंगे श्री मनमोहन सिंह 2004 टू 2014 तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहे। अब देखिए थर्ड का आंसर कैसे लिखेंगे? वेज टू प्रिवेंट पेंडेमिक डिजीज, फर्स्ट इज अवॉइड कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। हमें एक दूसरे से कॉन्टैक्ट जो है वो अवॉइड करना है। मस्ट अप्लाई मास्क ऑन योर माउथ एंड नोज, ठीक है, माउथ और नोज पे जो है हमें मास्क अप्लाई करना है। एंड मॉनिटर योर हेल्थ एवरी डे, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। एंड ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड हमें खाना है ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और हम इस वायरस से जो है लड़ सकें अगर हमारे अंदर ये एंटर करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट एन आर्टिकल ऑन इट। तो आपको अपने जो फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और अपनी फैमिली मेंबर से पूछ के उनके बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो बच्चे जो भी आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। सो आप लिखेंगे नरेंद्र दास मोदी इज माई फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, ओके। ही वॉज बोर्न ऑन 17 सेप्टेम्बर 1950 इन द टाउन ऑफ वार्डनगर इन महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ओके। गुजरात से जो है ये बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 17 सेप्टेम्बर 1950 को हुआ वार्डनगर में। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही यूज टू सेल टी विद हिज फादर एट द रेलवे स्टेशन। तो बच्चों वो जो है क्या करते थे, चाय बेचते थे अपने फादर के साथ एट द रेलवे स्टेशन। ऑन 26 मई 2014 ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2014 26 मई ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिफोर दैट ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उससे पहले वो गुजरात के जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ही इज पॉलिटिशियन एज वेल एज पॉइट, वो पॉलिटिशियन के साथ साथ पॉइट भी हैं। ही राइट्स पॉइम इन हिंदी एंड गुजराती, तो वो गुजराती और हिंदी में जो है क्या करते हैं, पॉइंट जो है वो लिखते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट बेटर क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।